नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्री एग्जाम में बहुत ही थोड़े दिन बाकी रह गए हैं। 3 जून को आपका आईएएस प्री का एग्जाम है, तो ऐसे में 100 दिन से कुछ ही दिन ज्यादा बचे हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी तैयारी को धार देने के लिए। और दोस्तों, इस लेसन में मैं बात करूंगा कि टेस्ट सीरीज को क्यों ज्वाइन करें। हालांकि आप लोग जानते हैं कि ज्वाइन क्यों करें, इसका कितना महत्व है, लेकिन नए लोगों के लिए ये जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और साथ में बात करेंगे कि इसको घर पर कैसे करें। अब दोस्तों, एक बात मैं यहां पर करना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज जो भी कोई ज्वाइन करता है, बहुत सारे लोगों ने तो काफी पहले से ज्वाइन कर रखी होगी, तो उसका नेचर कुछ और तरह का होता है। लेकिन अब जब नोटिफिकेशन बिल्कुल आने ही वाला है और थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो दोस्तों अब जो भी टेस्ट आप देंगे, तो दोस्तों वो आप फुल टेस्ट दीजिए, ठीक है। फुल टेस्ट से दोस्तों मेरा मतलब इस तरह से है कि पहले जो आप टेस्ट दे रहे थे उसमें मान लीजिए कि अगर आपने 100 प्रश्नों वाला टेस्ट दिया, तो 100 के 100 प्रश्न वो ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, या 100 के 100 प्रश्न हिस्ट्री से, या 100 के 100 प्रश्न इकोनॉमी से। तो दोस्तों अब आपको सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट नहीं करने हैं, अब आपको बिल्कुल फुल टेस्ट करने हैं और अपनी तैयारी को आंकना है पूरी तरह से, ठीक है, कि फुल टेस्ट के संबंध में आपकी तैयारी कैसी है, एग्जाम के संबंध में आपकी तैयारी कैसी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन क्यों करें। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन इसलिए करना है क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको नेचर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएगा, आपको पता चलेगा कि प्रश्नों की गहराई किस प्रकार की होती है यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सपाट होते हैं, ठीक है, जिनका जवाब आप बिल्कुल आसानी से दे सकें, देखते ही आपको आंसर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही कम होंगे, हालांकि होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं, 100 में से 2 या 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका जवाब आप प्रश्न को पढ़ते ही दे सकते हैं, बिल्कुल सपाट प्रश्न होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको वैरायटी पता चल जाएगी कि क्वेश्चंस में वैरायटी कितनी होती है, कितनी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वैरायटी भी आपको पता चलेगी, मतलब किसी एक प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाते दोस्तों, 5 या 6 तरीके से घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अधिकतर जो यूपीएससी की पिछले टाइम से जो टेंडेंसी है दोस्तों, वो ये है कि वो आपको डबल माइंड करते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शंस के बीच में वो आपको उलझा कर रख देते हैं। ये तो पिछले काफी समय से होता आ रहा है, ठीक है, पिछले 4-5 एग्जाम से। तो दोस्तों आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी पता चलेगा टेस्ट सीरीज से, और आपको नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। अब आप ये एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, ये अब बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, ये 2009 में आया था। तो अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की। अब आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सपाट प्रश्न है, इसका आंसर बिल्कुल आप आसानी से दे सकेंगे। एक तो ये है ही मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रश्न, ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास को अपेक्षाकृत आसान माना जाता है प्राचीन भारत के इतिहास से या आधुनिक भारत के इतिहास से, ठीक है। तो एक तो ये सब्जेक्ट वाइज भी आसान है, दूसरा अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा मुगलों के बारे में, तो आप बहुत ही आसानी से जवाब दे पाएंगे कि जहांगीर के समय में ये अनुमति मिली थी, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। तो बहुत ही सपाट किस्म का ये प्रश्न है। अब आप अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अब आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि उनका जो संबंध है वो केवल संविधान से ही नहीं है, ठीक है, उसके पहले भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। वो केवल संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही नहीं थे, उन्होंने उससे पहले भी काफी कुछ किया था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आजकल जब भी हम देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान की रचना की थी। तो दोस्तों इससे काफी बढ़कर है उनका योगदान। तो अगर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पता है तो आप इसके बारे में जवाब दे सकेंगे, काफी गहराई लिए हुए ये प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, तो यहां पर आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की गई है। तो ये प्रश्न देखिए दोस्तों, इसके अलावा अब थोड़ा और गहरा, अब यहां पे आपको ब्रह्म समाज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा है तो आपको ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए, तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, कूटों के आधार पर, ठीक है। तो इतने आसान प्रश्न नहीं है दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी रहती है,
ठीक है, तो वो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सिर्फ इतना सा लिख दिया, उसके आगे आपको ये तीनों के तीनों कथन पढ़ने हैं। ठीक है, तीनों कथन आपको पढ़कर फिर आपको देखना है कि उपयुक्त में से कौन सा या से अंग्रेज या अंग्रेजों की भारत को देन थी। ठीक है, तो अंग्रेजों की भारत को देन क्या थी। तो अगर आप लोग इतनी गहराई में गए होंगे अपनी पढ़ाई के दौरान, अगर आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेजों ने आर्थिक मोर्चे पर कौन सी नीतियां अपनाई थी, या एग्रीकल्चर की फील्ड में कौन सी नीतियां अपनाई थी, या तमाम नीतियां क्या थी अंग्रेजों की। ठीक है, अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत पर शासन किया था, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस किस्म के प्रश्न आएंगे, इतने आसान प्रश्न नहीं रहेंगे, और अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आप लोग काफी बेहतर तैयारी के साथ एग्जाम में उतरेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण फायदा है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब भी आप घर पे पेपर देने बैठें, ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं और यहां पर मैं ये बात करूंगा कि घर पर आप पेपर कैसे दें। ठीक है, घर पर आप टेस्ट कैसे दें। अब दोस्तों एक बात तो ये है कि घर पे आप टेस्ट इस तरह से दे सकते हैं, जैसे जैसे आपने कोई बुकलेट ले आए हैं कोई भी टेस्ट सीरीज की। तो दोस्तों घर पे आप टेस्ट देते वक्त ये ध्यान रखिए कि घड़ी अपने पास जरूर रखें और टाइम सेट करके रखें 2 घंटे। ठीक है, आपको 2 घंटे का ही टेस्ट देना है, पूरी तरह से माहौल बनाना है कि आप यूपीएससी आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे से कम नहीं, ज्यादा नहीं। ठीक है, और इसके साथ ही आपको ओएमआर शीट भी दोस्तों लेकर बैठना है। ठीक है, ओएमआर शीट के साथ ही आपको ये टेस्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, ओएमआर शीट लेकर बैठेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से होगी दोस्तों। अगर आप ओएमआर शीट भरेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओएमआर शीट किस प्रकार से भरते हैं और कैसे आपका ध्यान कहीं पर भटक ना जाए, कहीं पर गोला कोई आप गलत ना भर दें। ठीक है, भरना है आपको ए और आपने भर दिया जल्दबाजी में बी, तो ये भी आपके लिए झंझट हो जाता है। घर पे आकर आप समझ ही नहीं पाते कि आपने क्या भर दिया, आप सोच कर आते हैं कि मैंने तो भैया सही भरा, लेकिन आपके आते हैं मार्क्स कम। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ओएमआर शीट लेकर ही आप प्रैक्टिस करें और घड़ी लेकर ही आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, और ये बात भी है दोस्तों कि ये जो वॉच है, रिस्ट वॉच, आप एग्जाम के टाइम में पहनकर जा सकते हैं, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। अगर रोक है तो स्मार्ट वॉच के ऊपर है दोस्तों। ठीक है, जो स्मार्ट वॉच है वो आप नहीं पहन सकते, लेकिन जो रिस्ट वॉच है वो आप पहनकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप पहनकर जरूर जाइए अपने पेपर के दौरान। ठीक है, तो ओएमआर शीट दोस्तों कुछ ऐसी होती है, मतलब पूरी तरह से ऐसी नहीं, ये तो आप देखिए ऑप्शन कहां तक है, ए से लेकर जे तक है, ऐसी नहीं होती है, लेकिन आप फिर भी ओएमआर शीट लेकर बैठे, कुछ ऐसी होती है हमारे एग्जाम में, है ना। ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन हुए और इनमें आपको गोला भरना होता है, बस ध्यान यही देना है कि गोला कहीं पर दोस्तों आप गलत ना भर दें। ठीक है, गोले को सही भरना है और ब्लैक पेन लेकर जाना है। ठीक है, यहां पर आपको ब्लू या कोई और पेन नहीं लेकर जाना, आपको केवल ब्लैक पेन ही लेकर जाना है और गोला बिल्कुल सही भरना है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि अगर आप लोग घर पर कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर आपके बाजार से किसी दुकान से ओएमआर शीट मिल जाती है तो दोस्तों बहुत अच्छा, और अगर नहीं भी मिलती तो भी आप इंटरनेट पे जाकर गूगल पे ओएमआर शीट सर्च करिए, बहुत सारी ओएमआर शीट्स मिल जाएंगी, उसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उसकी फोटोकॉपीज करवा लीजिए। ठीक है, और उसके जरिए ही दोस्तों आप तमाम जो भी टेस्ट सीरीज के अंदर जितने भी आप टेस्ट देंगे तो वो टेस्ट आप देते रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा कि अभी आप 100 दिन मान लीजिए, ठीक है, 100 दिन बाकी हैं। ठीक है, तो 100 दिन में आपको कितने टेस्ट देने हैं, तो दोस्तों आप हर 10 दिन के अंदर एक टेस्ट दीजिए, तो इस तरह से आप कम से कम 10 टेस्ट आप दे चुके होंगे जीएस के। ठीक है, और इसके अलावा, जीएस के अलावा दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आप 5 टेस्ट सी सेट के भी दे लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि है क्वालिफाइंग, लेकिन अगर क्वालिफाई ना कर पाए तो कैसे होगा। और सी सेट में भी दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि सी सेट में दोस्तों जो पैराग्राफ होते हैं ना वो काफी टाइम खाते हैं। ठीक है,
ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, सी सेट में जो पैराग्राफ होते हैं ना वो बहुत ज्यादा टाइम खराब आपका करते हैं। रीजनिंग और मैथ्स और ये चीजें इतना ज्यादा आपका टाइम नहीं खराब करती हैं, उसमें तो आपको सवाल आता है तो ठीक है वरना आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पैराग्राफ में तो आपको लगता है भैया कैसे ना कैसे इसका आंसर मैं ढूंढूं, दो बार पढ़ते हैं, तीन बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सी सेट के पेपर की भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, इसके अलावा जीएस तो है ही जरूरी है ना, तो इस तरह से आपको करना है। अब आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कौन सी करनी है, तो दोस्तों कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, विजन आईएएस के आपको बहुत सारे पीडीएफ मेरे ख्याल से मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट पर ही मिल जाएंगे, ठीक है, विजन आईएएस की वेबसाइट पर जाकर मिल जाएंगे, और इवन व्हाट्सएप से भी काफी कुछ मिल जाता है, दृष्टि की बुकलेट भी आती है, ठीक है, टेस्ट सीरीज की, और भी कोई आपको कोई भी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा महत्व रखती है और जरूर ज्वाइन कीजिए और फुल टेस्ट दीजिए दोस्तों, अब सब्जेक्ट वाइज ना दीजिए और फुल टेस्ट दीजिए। तो यही था दोस्तों, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में बात करनी थी। धन्यवाद।